हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर विद द होमवर्क क्वेश्चन। मैंने चार पांच क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था हमारा ये, और हमें चेक करना था डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 एंड 2। क्या करना था? टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, 2। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो देखो, पहले 0 पे चेक करते हैं। तो मैंने कहा सॉल्यूशन एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिक हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 शुड एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करता है, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, तो क्या होगा हमारा जो ये फंक्शन जो है, दैट इज विल बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, x की जगह मैंने a की जगह 0 रखा है, हमारा क्या होता है x tends to a fx minus fa upon x minus a होता है, वो a पे देता है, f dash a देता है, मुझे 0 चाहिए तो मैंने x को a को 0 रखा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे इस ये लिमिट चेक करनी है, मतलब ये लिमिट का क्वेश्चन है बस बेसिकली। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हमारा लिमिट का क्वेश्चन हो गया, तो रख देते हैं वैल्यू। तो x fx की जगह क्या आएगा, x स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ cos ऑफ पाई बाय x, ठीक है, माइनस एफ जीरो, जीरो पे उसने अलग से बोल रखा है इट इज जीरो। ठीक है, सो माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन दिया था इधर नॉट इक्वल टू लगाना भूल गया था, ठीक है ना, एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया, सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फॉर जीरो इट इज जीरो। ठीक है ना, ऑफकोर्स ऊपर तो जीरो रख नहीं सकते बिकॉज इधर जीरो हो जाएगा, तो जीरो को उसने अलग से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अच्छा चलो इसको देखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, देखो ये x माइनस जीरो क्या है, बेसिकली x लिखा है, तो ये एक x से एक x क्या, तो वी आर लेफ्ट आउट विद लिमिट, सॉरी लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो x इनटू मॉड ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय x। अब मैंने बोला क्या ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अच्छा सबसे पहले मैंने ये पूछा क्या हमें LHL और RHL इसके अलग निकालने की जरूरत है, तो आंसर मिलेगा नहीं है जरूरत। क्यों? बेसिकली ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ही नहीं है, देखो ध्यान से, इस टाइप का हमने पहले भी किया हुआ है। ये कहां जा रहा है, जीरो को जा रहा है, और ये जो चीज है ये माइनस वन से वन के बीच में फ्लक्चुएट करेगी, क्या होगी एग्जैक्टली वी डोंट नो, बट जीरो इनटू एनीथिंग दैट इज फाइनाइट इज ऑफकोर्स जीरो। सो हमारा क्या आया आंसर, जीरो। तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई इस एक्सप्रेशन की, हेंस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ, चलो अब टू पे बात करते हैं। तो लेट मी रब द बोर्ड, अब हम टू पे बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, थोड़ा सा इससे बेटर होगा वो, ठीक है ना, ये तो काफी आसान हो गया था। अब मैंने लिखा एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू पे, तो अगेन क्या लिखूंगा मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, बेसिक डेफिनेशन एफ एक्स माइनस एफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2, दिस शुड एग्जिस्ट। ठीक है, चलो जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक हम एल एच इस ये लिमिट की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग से नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। सो ये मेरा आया, मैं इसको रख देता हूं वैल्यू, एफ ऑफ एक्स तो मेरा ये रहा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ, सॉरी मॉड ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय एक्स। ठीक है, माइनस एफ 2। अब देखो एफ 2 क्या आएगा मेरा, तो 2 तो ऊपर वाली डेफिनेशन से आएगा, मैंने बोला एफ 2 क्या होगा, एक्स के जगह 2 रखो एग्जैक्ट 2, तो cos ऑफ पाई बाय 2 इज व्हाट, 0, तो 0 इनटू 4 0, तो एफ 2 इज 0, और नीचे बना मेरा x माइनस 2, तो 0 को मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, अब बेसिकली अब ये मेरा लिमिट का क्वेश्चन हो गया, नाउ दिस इज अ लिमिट क्वेश्चन, डिफरेंशिएबिलिटी से अब इसका लेना देना खत्म, यहीं तक था डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखना मॉड है, तो अब मैंने बोला क्या मॉड क्या बोलते हैं LHL और RHL अलग अलग देखना पड़ेगा क्या, तो आंसर मिलेगा यस। द रीजन इज तुम कॉस का आर्ग्यूमेंट देखो, एग्जैक्ट 2 पे तो कॉस का आर्ग्यूमेंट क्या, पाई बाय 2, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पाई बाय 2 है, बट मैंने बोला x अगर 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो पाई अपॉन 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, पाई बाय 2 से छोटा होगा। अब देख सकते हैं हम cos x का जो ग्राफ है पाई बाय 2 के आसपास, ये सॉरी cos x का ग्राफ, मैंने बोला दिस इज द नेचर, दिस इज एट पाई बाय 2, तो अब देखो ये जो कॉस है वो अपना साइन चेंज करता है पाई बाय 2 पे, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो मैंने बोला अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं इसका, अब मैं इसका LHL इस पर्टिकुलर लिमिट का, ये इधर मैंने लिमिट लगाना भूल गया, ये लिमिट x टेंड्स टू 2, अब इसका LHL और RHL अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसका LHL क्या होगा LHD, और इसका RHL क्या होगा RHD ऑफ FX।
ठीक है ना। तो मैंने बोला पहले लेट्स टॉक अबाउट आरएचडी, ठीक है। आरएचडी में क्या होगा मेरा, आरएचडी इज इक्वल टू लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू टू प्लस। मैं क्यों कर रहा हूं एलआईडी आरएचडी अलग अलग एनालिसिस, बिकॉज कॉस के अंदर की चीज है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है, तो मतलब फर्क पड़ रहा है। एक बार कॉस जो मॉड होगा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, एक बार नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो मैंने बोला एक्स टेंड्स टू टू प्लस पे कॉस ऑफ पाई बाई पाई अपॉन टू प्लस क्या हो जाएगा, पाई बाई टू से थोड़ा कम, और पाई बाई टू से थोड़ा कम मतलब कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो मॉड कैसे ओपन होगा विद पॉजिटिव साइन, तो सिंपली इट विल बी एक्स स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ पाई बाय एक्स, समझ में आया, अपॉन एक्स माइनस टू, क्लियर है। अब क्या करें, अब इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने अपना लिमिट्स में किया हुआ था। देखो इधर कॉस के साइन चाहिए मुझे, क्योंकि साइन का फॉर्मूला हमें पता है कि साइन कैन बी रिप्लेस विद इट्स आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है। कॉस का फॉर्मूला तो पड़ा है बट उसमें तो माइनस वन होता है, वन माइनस कॉस समथिंग, उस वन माइनस वगैरह तो जनरेट नहीं कर सकते। हाँ ऐसा कर सकते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे क्या क्या होगा हमारा, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू, तो मेरा ये लिखा है। और नहीं तो एक काम और कर सकते हो, इधर एक्स को जीरो पे लेके आ जाओ, एक सब्स्टिट्यूशन से कर दो विदाउट, वो भी हो जाएगा, बट वो भी कर सकते हो तुम। क्या इधर x = 2 + 3 रखो, 50 टाइम्स टू 0 प्लस हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा। मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं, तो देखो ये हो गया मेरा sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय x, sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो ये जो लिखा है वही अभी ये लिखा है। अब मैंने बोला लकीली x टेंड्स टू 2 पे साइन का आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो साइन ऑफ समथिंग कैन बी रिप्लेस विद समथिंग, तो मैं यहां से साइन हटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैंने बोला x टेंड्स टू 2 प्लस पे, ये x स्क्वायर तो क्या है बेसिकली कांस्टेंट है विच इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो मैं इसको तो 4 से रिप्लेस कर सकता हूं, तो ये तो मेरा हो गया 4, देखना ध्यान से 4, ठीक है। अब अभी हमने ये पाई इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 4 पाई इंटू, ये हो गया एक्स माइनस टू अपॉन 2x, और इधर लिखा है एक्स माइनस टू, बेसिकली इसी के कारण इंडिटरमिनेंसी आ रही थी, ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अब x टेंड्स टू 2 प्लस पे ये 2x का जाएगा 4 को जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट आउट विद पाई, ठीक है। तो मेरा इसका आरएचडी आया पाई। सिमिलरली अब एलएचडी निकालेंगे हम। अब एलएचडी में क्या होगा, बेसिकली थोड़ा सा अंतर होगा बस, देखो इधर ही बता देता हूं मैं, अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, देखो एलएचडी जब निकालोगे तो मेरा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये मॉड जो है, अब 2 माइनस मतलब क्या हुआ 1.9999 समथिंग, और पाई अपॉन समथिंग लेस देन 2 ओवरऑल क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 से बड़ा, तो कॉस इज नेगेटिव फॉर पाई बाय 2 से बड़ा, तो मेरा मॉड ओपन कैसे होगा, माइनस साइन के साथ, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाय एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। अब ये सेम क्वेश्चन बनेगा, बस आगे माइनस आता जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 100% माइनस पाई आएगा, यूजिंग द सेम कंसेप्ट। तो एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं आए, इसका मतलब इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया, फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 बट नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है, अच्छा ये तो हो गया, मैंने पूरा सब्जेक्टिव अप्रोच से बताया। अब मैंने बोला जो हमने थियरम पढ़ा था उसके यूज करके हम कर सकते हैं कि नहीं, तो हमें आंसर मिलेगा यस। 2 पे चेक करते हैं हम, देखना 2 पे चेक कर रहे हैं हम। मैंने बोला यूजिंग दैट थ्योरम, देखो अब तो ये लॉन्ग मेथड हो गया जो हमने ऑलरेडी जो भी किया, प्रॉपर प्रोसीजर से, कोई हमने ट्रिक वगैरह यूज नहीं की। अगर तुम्हारा लिमिट स्ट्रांग होगा तब तुम्हें प्रोसीजर वाले मेथड में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम ट्रिक से करते हैं थोड़ा, तो देखो क्या निकाला मैं, देखो जीरो पे तो क्या है बेसिकली डेफिनेशन अलग अलग यूज हो रही है, तो ट्रिक वाला ट्रिक मतलब थ्योरम वाला यूज नहीं कर रहा हूं, बट 2 पे तो मेरा यही फंक्शन है, 2 पे तो मेरा यही फंक्शन है, तो 2 पे हम थ्योरम 2 यूज करते हैं। चलो तो मैंने बोला पहले तो थ्योरम 2 था क्या, थ्योरम 2 एक बार रिकॉल करते हैं, मैंने बोला f ऑफ x इनटू g ऑफ x ऐसा था, लेट्स से दिस इज द इसकी कंटिन्यू इसकी डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना होता है हमें, वेयर माय fx इज कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियबल, और ये मेरा क्या होता है कंटीन्यूअस बट नॉन डिफरेंशियबल। फिर हम क्या बोलते हैं, ये पूरा ओवरऑल डिफरेंशियबल होगा कब, अगर मान लो a पे चेक कर रहे हैं, अगर f ऑफ a अगर 0 होगा तो दिस विल बी नॉन डिफरेंशियबल व्हेन f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ये थी हमारी थ्योरी, ठीक है। थ्योरम अब हम इस पे लगाते हैं, तो मैंने बोला 2 पे चेक करना है मुझे, तो देखो x स्क्वायर तो डिफरेंशियबल है, अब मेरे को इस पे इसको देखना है,
इसको देखना है। तो सबसे पहले अब इसमें थ्योरम वन लगेगा, पहले तो थ्योरम टू तो बाद में लगेगा, पहले थ्योरम वन से हम इसकी इसकी डिफरेंशियबिलिटी में कमेंट करते हैं कॉस ऑफ पाई बाय एक्स पे, ठीक है। उसके लिए क्या बताता है बॉड वाले के लिए, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखो, पहले तो क्या करो अंदर वाले पार्ट को जीरो को इक्वेट करो, ये देखो कि अंदर वाला फंक्शन एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, लेट्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा सॉल्यूशन आता है तो हम क्या करते हैं अल्फा पे इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, अगर जीरो होता है तो मॉड लगाने के बाद भी डिफरेंशियबल रहेगा, ठीक है। तो पहली बात तो देखो स्टेप बाय स्टेप कॉस ऑफ पाई बाय एक्स बेसिकली दिस इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू टू, ऑफ कोर्स ये तो एक स्मूथ कर्व होगा टू पे, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये तो डिफरेंशियबल है एट एक्स इज इक्वल टू टू, बट मॉड लगाने के बाद मुझे नहीं पता मॉड लगाने के बाद क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए थ्योरम वन यूज कर रहे हैं। तो थ्योरम वन में मैंने क्या बोला था, पहले अंदर वाले फंक्शन को जीरो इक्वेट करो, पहले ये देखो कि अंदर वाला कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो कॉस ऑफ पाई बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इससे मेरा क्या आएगा पाई बाय एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, तो ये पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ ठीक है, तो यहां से मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू टू अपॉन टू एन प्लस वन, ठीक है। अब मैंने बोला ये चीज जीरो कब हो रही है, किस इंटीजर के लिए हो रही है, एक मिनट जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड, x इज इक्वल टू ये आया, ठीक है। अब मैंने बोला x इज इक्वल टू ये आया, मेरी n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे चेक करना है, बट मुझे तो एक्चुअली चेक करना है टू पे ही, क्योंकि टू पे पूछा गया है। तो ये टू कब होगा, When n is equal to zero, when n is equal to zero, तो x की वैल्यू टू आएगी, ठीक है। अब मैंने बोला अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाय एक्स, बेसिकली ये भी करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, ध्यान से देखो एक सेकेंड, इतना पार्ट भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, बिकॉज हमें टू पे ही चेक करना है ना, ये तो हम जब करते हैं जब हमें x की वैल्यूज पता करनी हो, ये कहां कहां कट कर रहा है, ऑल पॉसिबिलिटीज देखनी हो, बट ये भी इतना पार्ट भी यू कैन एस्केप, ठीक है ना, बेटर है इतना पार्ट भी यू कैन एस्केप कर लिया, अच्छी बात है, बट यू कैन एस्केप दिस बिकॉज मुझे टू पे चेक करना है ना, तो टू पे मैं अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेता हूं, अगर नॉन जीरो आया तो ये नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन पाई बाय एक्स इंटू माइनस पाई बाय एक्स स्क्वायर, चेन रूल से 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और पाई, तो ये कैंसिल हो गया। अब x इज इक्वल टू 2 पे दिस इज ऑफकोर्स नॉन जीरो, ये साइन पाई बाय 2 क्या होगा 1 और ये हो जाएगा पाई बाय 4, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब मॉड ऑफ कॉस पाई बाय एक्स क्या है, बेसिकली नॉन डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 2। अब हमारा थ्योरम 2 आएगा, अब हमारा थ्योरम 2 आएगा, देखो लग रहा है मैंने एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लिया, बट अगर प्रैक्टिस होगा ना थ्योरम 1 थ्योरम 2 का तो चुटकियों में आंसर दोगे, एज कंपेयर टू इवैल्यूएटिंग दैट लिमिट fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब मैंने देख लिया कि ये नॉन डिफरेंशियबल आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा अब थ्योरम 2 लगाते हैं, तो थ्योरम 2 क्या था हमारा, अब ये x स्क्वायर हो गया, ये तो मेरा हर एक जगह कंटीन्यूअस डिफरेंशियबल है, और ये मॉड कॉस पाई बाय एक्स मैंने बोला नॉन डिफरेंशियबल है, ठीक है, कंटीन्यूअस था ही, नॉन डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 2। अब मैंने बोला फिर क्या था थ्योरम, जिस पॉइंट पे चेक कर, जिस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशियबल है वो x इसमें रख के देखते हैं, अगर ये नॉन जीरो आएगा तो ओवरऑल प्रोडक्ट फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल, तो दिख रहा है x इज इक्वल टू 2 इसमें रखोगे तो दिस इज 4 व्हिच इज नॉन जीरो, हेंस यूजिंग थ्योरम 2 वी कैन से x इज इक्वल टू 2 पे ये नॉन डिफरेंशियबल होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, आई होप समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ इजी वन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजी है बट फिर भी उसको भी हम पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें तो बेसिकली तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, बेसिकली ये 90% तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, डिफरेंशियबिलिटी तो आखिरी में लास्ट स्टेप आएगा बस, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से। तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन से, x माइनस वन से मेरे को यहां तक पहुंचना है। तो देखो पहले लेट्स मैंने x माइनस वन का बना लिया, इसके बाद मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, x को मॉड x से रिप्लेस करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा y is equal to mod x minus 1, फिर मैं क्या करूंगा mod of fx करूंगा, y is equal to mod of fx, तो इधर से क्या मिल जाएगा y is equal to mod of x minus 1, ठीक है। तो x minus 1 पहले ड्रॉ कर लेते हैं, स्लोप 1 है, x इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट minus 1, तो दिस इज द लाइन, ठीक है, दिस इज माइनस 1, दिस इज 1, दिस इज ऑफकोर्स ओरिजिन 0। अब मैंने बोला x को mod x से रिप्लेस कर दे तो क्या होता है, y एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ होता है उसको रब करते हैं,
और इस साइड मिरर इमेज ले लेते, तो दिस इज माइनस वन। ऐसा क्यों करते हैं, क्या एक्सप्लेन क्या होता है इसका रीजन? y इज इक्वल, अगर मॉड एक्स लिख दिया ना हमने, तो उसके लिए इनपुट चाहे टू दे चाहे माइनस टू दे, आउटपुट सेम आएगा। दैट मीन्स वन पे जो वैल्यू वही माइनस वन पे होगी, जो टू पे है वही माइनस टू पे होगी। तो जो इसके लिए ग्राफ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, वही ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला ग्राफ मेरा ये आ गया मॉड एक्स माइनस वन। अब मैंने बोला पूरे पे मॉड लेना होता है तो क्या करते हैं, नीचे वाला पार्ट रब करते हैं और इसको पलटा देते हैं। तो नाउ एवरीवन कैन सी शार्प कॉर्नर कहां कहां आ रहा है, माइनस वन जीरो एंड वन। तो दिस फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो कॉमा प्लस माइनस वन। तीन पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, सो बेसिकली इसमें काम मेन तो था ट्रांसफॉर्मेशन का, डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट कम ही था। ठीक है ना, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा वो वाला प्रूफ भी मैंने अभी दिया नहीं था तुम्हें, ठीक है ना, याद नहीं रहता आखिरी में, वो थ्योरम टू का। ठीक है ना, आज हम देखने वाले हैं वो प्रूफ। उससे पहले पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो मैं ऑप्शन अकेले लिख रहा हूं, पहला था कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, ऑप्शन बी इज कॉस ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, ऑप्शन सी इज साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, एंड ऑप्शन डी इज साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशियबल या नॉन डिफरेंशियबल, कैसा भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखो पहले दो ऑप्शन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, पता नहीं तुम लोगों ने किया वैसे किया होगा या प्रोसीजर से। देखो एक तरीका तो क्या है, हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को यू कैन गो विद अ स्टैंडर्ड फर्स्ट, दैट इज एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है ना, मुझे जीरो पे चेक करना है। ठीक है, बट पहले दो ऑप्शन में वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। द रीजन इज कॉस ऑफ मॉड एक्स तो क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। और कॉस एक्स मैं एक्स टाइम में पॉजिटिव रखू नेगेटिव रखू, ये तो मेरा कॉस एक्स ही होता है। ये लिखा है cos x plus mod x basically, और ये लिखा है cos x minus mod x। अब मैंने बोला इन दोनों पार्ट्स में तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वी कैन कमेंट यूजिंग द रूल। कौन सा, डिफरेंशियबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशियबल, पक्का नॉन डिफरेंशियबल होगा। यू कैन सी ये क्या है, डिफरेंशियबल है जीरो पे, ये क्या है नॉन डिफरेंशियबल, तो पक्का दिस विल बी नॉन डिफरेंशियबल। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, क्लियर है। बाकी यू कैन वेरीफाई इट विद एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो, उसकी लिमिट एक्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, सिमिलरली हियर आल्सो डिफरेंशियबल और ये नॉन डिफरेंशियबल, पक्का नॉन डिफरेंशियबल, नो नीड टू चेक। बट इधर है, इधर क्या है, ये भी नॉन डिफरेंशियबल है, ये भी नॉन डिफरेंशियबल, डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। सिमिलरली हियर आल्सो वी कैन नॉट टेल डायरेक्टली, तो मतलब डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे, इसका मतलब क्या है, ऐसे थोड़ी कि बोल ही नहीं पाएंगे, बोल लेंगे बट थोड़ी मेहनत लगेगी उसमें। ठीक है, तो वो मेहनत करते हैं हम। ठीक है, उसको करता हूं प्रोसीजर से, तुम इसको भी वेरीफाई कर लेना। ठीक है, चलो तो मैंने बोला इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं। देखो चलो पहला साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स करते हैं। तो मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, चलो अब जीरो पे चेक करना है, तो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, चलो पहले लिख लेते हैं एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो शुड एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करना चाहिए डिफरेंशियबल होने के लिए जीरो पे। अब रख देते हैं वैल्यूज, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो ये हो गया साइन ऑफ मॉड x प्लस मॉड x माइनस एफ जीरो, एफ जीरो क्या होगा जीरो माइनस जीरो अपॉन x माइनस जीरो, तो x ये बचा। अब क्या है, क्या मुझे LHL और RHL अलग अलग निकालना पड़ेगा इसकी लिमिट? Of course, yes. क्योंकि mod x involved है ना, तो zero पे वो mod एक बार LHL निकालेंगे तो mod x minus x की तरह ओपन होगा, RHL निकालेंगे zero plus पे तो mod x x की तरह ओपन होगा, तो इसका मतलब हमें अलग अलग डील करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं पहले RHL बोल रहा हूं, RHL के लिए RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस पे ये कैसे ओपन होगा, सिंपली साइन x, और वो क्या होगा सिंपली x अपॉन x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो निकालना है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं या तो एक्सपेंशन से बोल दो यार सिंपली एल हॉस्पिटल लगा दो, सिंपल एल हॉस्पिटल लगा दो, तो लो साइन x का डेरिवेटिव इज cos x प्लस 1 अपॉन 1, तो x टेंड्स टू जीरो प्लस पे कहां जा रहा है 2 को, तो हमारी RHD क्या आई, RHD ऑफ fx,
मतलब इसकी तो आर एच एल बोलूंगा ना, इसकी आर एच एल दैट इज टू। अब मैंने बोला एल एच एल निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। अब देखो, अब ये माइनस माइनस के साथ ओपन होगा मेरा ये वाला फंक्शन, जीरो माइनस है तो ये होगा माइनस साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको तो माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स का वन, तो दिस विल बी माइनस टू। तो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल फॉर दिस लिमिट, फॉर दिस लिमिट, हैंस ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और ये बेसिकली है क्या, हमारा डेरिवेटिव जीरो पे, तो हैंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉरी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, अब आते हैं आखिरी वाले पे, आखिरी वाले में आ जाएगा हमारा आंसर, आ जाएगा जो मेरा मतलब है डिफरेंशियबल हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। तो सेम रूल लगाया, इधर बस मैं माइनस कर देता हूं, इधर मेरा माइनस है ठीक है, और ये मेरा माइनस इसके लिए डी ऑप्शन के लिए। तो निकालते हैं, मैंने बोला अगेन एल एच एल आर एच एल अलग अलग निकालना पड़ेगा मुझे, तो मैंने लगा आर एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। देखो आर एच एल मैं किसका, आर एच एल एफ एक्स का नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, अगर लिखना है तो इधर ऐसे लिख लो आर एच डी ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख लो, नहीं तो आर एच एल ऑफ ये फंक्शन इसकी लिमिट, या फिर आर एच डी ऑफ एफ एक्स। चलो तो ये हो गया मेरा साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, अब डिफरेंशिएट करो तो कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो पे क्या आया, जीरो, कॉस जीरो वन होता है। सिमिलरली व्हेन यू कैलकुलेट एल एच डी, एल एच डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, तो ये कैसे ऊपर होगा, माइनस साइन एक्स, और ये वाला माइनस किसे को आएगा, प्लस एक्स अपॉन एक्स। नाउ यू विल डिफरेंशिएट इट, क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस वन अपॉन वन, विच इज नथिंग बट एक्स टेंड्स टू जीरो पे इट इज जीरो। लिमिट एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, हेंस दिस लिमिट एग्जिस्ट, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी, थोड़ी सी, बट ए और बी में थोड़ी सी भी नहीं। यू कैन डू विद दिस मेथड ऑल्सो, फर्स्ट ए को, ठीक है ना, एक बार खुद से करना, पक्का नॉन डिफरेंशियबल आएंगे दोनों। बट हमने उतना, हमने कैसे कमेंट किया, डिफरेंशियबल प्लस, सॉरी डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल इज नॉन डिफरेंशियल, पक्का, हमें फंक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और याद रखना ये कॉस ऑफ मॉड एक्स इज सिंपली कॉस एक्स, ठीक है ना, कॉस के अंदर मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो इवन फंक्शन है वैसे भी। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स बी डिफाइन इन द इंटरवल माइनस टू 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 सच दैट, तो देखो पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स बोला है उसने माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इज एक्स माइनस वन फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू टू ग्रेटर देन जीरो, और जी एक्स मेरे को दे रखा है, जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स। तो करते हैं इसको, अच्छा अगर मान लो अभी भी नहीं किया हो किसी ने तो मैं हिंट दे रहा हूं, ड्रॉ इट, डू इट ग्राफिकली, डू इट ग्राफिकली, ठीक है, और अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो पहले तो क्या करें, पहले एफ एक्स को प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं, ठीक है ना, हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी कमेंट करना है इन द इंटरवल माइनस टू से टू। तो पहले लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, बहुत सिंपल ग्राफ है, माइनस टू से जीरो इट इज कॉन्स्टेंट माइनस वन, सो दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस वन फॉर माइनस टू से जीरो, माइनस टू से और जीरो पे भी क्लोज है तो ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है अपना, दिस इज जीरो, ठीक है। उसके बाद फॉर जीरो से टू दिस इज एक्स माइनस वन, अब इसमें x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी आई, माइनस वन, तो मतलब यहीं से स्टार्ट होने वाला है, और x माइनस वन कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी, और टू पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन, तो बेसिकली ये टू पे इसकी वैल्यू इज वन और वन पे वैल्यू इज जीरो। सो ये जो ग्राफ है अभी जो बना है इसको डार्क कर देता हूं मैं, चलो ये ब्लू कलर से मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, दिस इज बेसिकली ग्राफ ऑफ, सॉरी दिस इज ग्राफ ऑफ, ठीक है, दिस जो मैंने शेड किया दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब मैं आता हूं किस पे, एफ ऑफ मॉड एक्स पे, तो अलग से बना रहा हूं मैं, अलग से बना रहा हूं, एफ एक्स को इधर ही रहने देता हूं। अब एफ एक्स और एफ ऑफ मॉड एक्स नीचे एक एक ही स्केल, मतलब एक ही स्केल पे तो नहीं बना रहा हूं, सेम वाई एक्सेस ले रहा हूं मैं,
तो देखो पहले मैं ऊपर बना रहा हूं एफ ऑफ मॉड एक्स का, तो एफ ऑफ मॉड एक्स का क्या बताया था मैंने, इस साइड जो ग्राफ है वाई एक्सिस के उसको हटाओ और फिर इमेज ले लो, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दिस इज माइनस वन, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज माइनस वन एंड दिस इज टू, दिस इज माइनस टू एंड दिस वैल्यू विल बी टू, सॉरी वन, दिस वैल्यू विल बी वन, ठीक है, ये हो गया मेरा किसका ग्राफ, एफ ऑफ मॉड एक्स का। अब मॉड ऑफ एफ एक्स में क्या करते हैं, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, तो मैं इसी के नीचे बना रहा हूं, ठीक है ना, फिर हम एंड अप ऐड कर लेंगे दोनों को। तो अब क्या करना, मैंने क्या बोला, मॉड ऑफ एफ एक्स में नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाता है, तो ये वाली लाइन जब ऊपर जाएगी तो ऐसी हो जाएगी, तो इधर तो मेरा कुछ ऐसा आएगा वी शेप, पहले मैं इसी स्केल पे बना रहा हूं, चलो मैंने बोला इस टाइप से, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ऊपर जाएगा तो ऐसा हो कुछ होगा, इसी स्केल पे बना लेते हैं हम, ठीक है, ये वाला ग्राफ मेरा हो गया, और नंबरिंग दे देते हैं, माइनस टू ये है, जीरो है, ये वन है, ये टू है एंड दिस इज वन, क्लियर है, और ये मेरा ये स्केल हो गया। अब बस सिंपली मुझको इन दोनों को ऐड करना है, अब ऐड करते हैं हम, तो उसके लिए मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, तो देखो चलो मैंने बोला इसको जब मैंने ऐड करूंगा तो देखो ये वाली जो लाइन है, चलो इसलिए इनकी इक्वेशंस लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, दूसरे कलर से लिख रहा हूं मैं इनकी इक्वेशंस, ठीक है, तो ऐड करने में आसानी होगी, दिस इज व्हाट, ये क्या होगा हमारा, जस्ट अ सेकंड, ये मेरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, स्लोप कितना है मेरा, माइनस वन, माइनस वन है और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन मैं डायरेक्टली कैसे लिखूं, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस, प्लस आएगा कि माइनस वन आएगा कि प्लस वन आएगा, तो माइनस वन पे ये जीरो होना चाहिए, तो इट शुड बी माइनस वन, ठीक है ना, या फिर ऐसे चेक कर लो, वाई इंटरसेप्ट एक्स को जीरो डाला तो वाई इज माइनस वन, करेक्ट आ रहा है, स्लोप तो माइनस वन है। सिमिलरली मैंने बोला जो जो लाइन की जरूरत पड़ने वाली है उसको मैं लिख रहा हूं, एंड दिस इज वॉट, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन स्लोप है, एक्स इंटरसेप्ट इज वन, सॉरी हाँ, तो ये हो गया मेरा माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू वन डालोगे तो वाई कितना आ रहा है, जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन पे वाई जीरो, तो करेक्ट इक्वेशन। अच्छा इसकी तो पता ही है, ये तो कॉन्स्टेंट ग्राफ है, दिस इज वाई इज इक्वल टू वन, अब इसकी और लिख लेते हैं, ये लाइन और ऊपर वाली लाइन तो सेम ही है, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, अब ये वाली लाइन और लिख लेते हैं, दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, एक्स को जीरो डालो वाई इज वन, एक्स को वन डालो वाई इज जीरो, तो करेक्ट है ये। अब बस सिंपली ऐड करना है हमें, सिंपल ऐड करना है, सिंपल एडिशन ऑफ दीज टू हर एक इंटरवेल के लिए, ठीक है, तो चलो इसको ऐड करते हैं, तो मैंने बोला दिस इज माय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो देखो माइनस टू से जीरो ये तो कॉन्स्टेंट है, वाई इज इक्वल टू वन, तो वन इसमें ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली इसमें ऐड होगा, ठीक है, तो क्या होगा मेरा, दिस विल बी द कर्व, दिस इज टू पे ये कितना होगा माइनस टू, देखो ध्यान से, सॉरी टू पे टू होगा, एक मिनट, ये माइनस टू है ना, माइनस टू पे टू, क्योंकि दिस प्लस वाई इज इक्वल टू वन, तो वन माइनस वन कैंसिल हो गया, माइनस एक्स, दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, चलो इधर लिख लेता हूं, दिस इज माई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर है, चलो अब मैं आता हूं आगे वाले पार्ट पे, तो देखो अब ध्यान से देखो, ये वाली अब मैं जीरो से वन के लिए बना रहा हूं, तो दिस इज एक्स माइनस वन एंड दिस इज माइनस एक्स प्लस वन, दोनों का एडिशन क्या होगा, जीरो, सो ग्राफ मेरा जीरो से वन के लिए ये होगा, जीरो से वन के लिए दिस इज जीरो, दिस इज वन, ठीक है, अब इस पे आते हैं, वन से लेकर टू तक ये एक्स माइनस वन, ये भी एक्स माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू, दोनों का एडिशन, तो टू एक्स माइनस टू, चलो ये होगा मेरा ग्राफ, दिस विल बी टू एक्स माइनस टू, चलो इधर अलग से लिखता हूं मैं, पहले ये वैल्यू टू तक जाएगी, अच्छा पहले टू पे वैल्यू क्या आएगी, टू एक्स माइनस टू की टू, तो इसका मतलब यही वाला पॉइंट है ये, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट इधर मैं लिख लेता हूं, वैसे लाइन की जरूरत, ठीक है ना, थोड़ा ग्राफ की प्रैक्टिस हो जाती है इससे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ की ग्राफ की, दिस इज वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू एंड दिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो, अब क्लियरली दिख रहा है, दो जगह नॉन डिफरेंशियबल है, एक तो इस पॉइंट पे कॉर्नर है, एक इस पॉइंट पे, कैसे बोलेंगे इस पॉइंट पे क्या दिख क्या है, LHD, तो देखो इस पे LHD जीरो है, इस पे RHD जीरो है, इस पे RHD क्या है, इस वाले पॉइंट पे RHD टू,
y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी है ना, तो स्लोप इज टू. जैसे इस पॉइंट पे मैंने बोला एफ डैश वन प्लस दिस विल बी टू, एफ डैश वन माइनस विल बी जीरो, हेंस नॉन डिफरेंशियल शार्प कॉर्नर है. सिमिलरली व्हेन यू विल कैलकुलेट एज जीरो क्या दिख रहा है, एफ डैश जीरो प्लस विल बी जीरो, एफ डैश जीरो माइनस विल बी माइनस वन. ठीक है, चलो आई होप समझ में आया होगा, काफी हमने डिटेल डिस्कशन किया इसका. चलो अब हम आते हैं लास्ट होमवर्क क्वेश्चन पे, तो उसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, जिसने नहीं किया है वो इसको कॉपी करे. ठीक है, नेक्स्ट एक नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट रहेगा मिसलेनियस पॉइंट्स डिफरेंशिएबिलिटी के, उसको कर लेंगे. तो आज की आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे. आई होप डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तुमने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, कीपिंग दैट इन माइंड. पहले नहीं भी पढ़ा होगा तो भी हम बिल्कुल स्ट्रेस से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज उसने दे रखा लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एंड उसने जी एक्स को डिफाइन कर रखा है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ, अब एक दूसरा फंक्शन की मदद लिए एफ ऑफ टी वेयर टी लेस देन इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और ये डेफिनेशन कब यूज हो रही है, मैक्सिमम ऑफ दिस वाली व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन जीरो टू वन, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एडवांस में आ चुका है पहले. एंड इसकी दूसरी जी एक्स की दूसरी डेफिनेशन इज थ्री माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू टू ग्रेटर देन वन. ठीक है, वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी एक्स इन द इंटरवल जीरो से टू. जी एक्स की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर हमें कमेंट करना है या डिस्कस करना है. तो कैसे स्टार्ट करें, देखो ये वाली डेफिनेशन तो बहुत आसान है, मतलब जी एक्स की जी एक्स का जो ग्राफ है वन से लेके टू तक तो को हर कोई बना ही लेगा, मेन आता है इसको बनाना. ठीक है, तो इसके एनालिसिस के लिए पहले ये देखते हैं क्या लिखा क्या है. देखो इसने क्या बोला है कि फॉर दिस इंटरवेल ऑफ जीरो फॉर जीरो टू वन, उसने मेरा फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे दे रखी है. इसका रीड इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसने बोला है कि एफ एक्स विल बी मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी वेयर माय टी बिलोंग्स टू जीरो टू एक्स. मतलब जैसे मैंने बोला एक्स बढ़ रहा है, ठीक है एक्स बढ़ रहा है, लेट से एक्स को पहले मैंने 0.5 लिया, जीरो के बढ़ते बढ़ते 0.5 आया, तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, टी इज लाइंग बिटवीन 0 टू 0.5. अब इस इंटरवेल में एफ ऑफ टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो मेरा फंक्शन एज्यूम करेगा. समझ में आ रहा है, देखो पहले क्या करो, सबसे पहले इसके लिए स्टार्ट कैसे करें अपने आप समझ में आएगा अभी धीरे धीरे. ठीक है, सुनना ध्यान से, पहले मैं इसका नेचर देखता हूं. ये वाला जो फंक्शन है मेरा क्यूबिक वाला, वो इस इंटरवल में है क्या, बेसिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या है, पहले वो एनालिसिस कर रहे हैं. तो पहले मैंने लिखा, पहले मैंने इसको कॉपी किया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. फिर मैंने बोला इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन. ठीक है, अच्छा ये है पैराबोला, अच्छा इसका डी पॉजिटिव है तो कहीं तो ये कहीं ये डिक्रीज होगा कहीं इंक्रीज होगा. ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला एक काम करते हैं, इसके रूट निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद कमेंट करते हैं. तो इसका रूट होगा टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टू टू द फोर प्लस फोर थ्री जै ट्वेल्व डिवाइड बाय थ्री टू द सिक्स. तो टू प्लस माइनस फोर बाय सिक्स, पॉजिटिव साइन लिया तो मेरा क्या आ रहा है, फोर टू प्लस फोर सिक्स बाय सिक्स वन, और नेगेटिव साइन लिया तो टू माइनस फोर माइनस टू बाय सिक्स माइनस वन बाय थ्री. तो लेट से ये हो गया मेरे रूट्स, किसके रूट से, एफ डैश एक्स के, मतलब एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है वन पे और माइनस वन बाय थ्री पे. ठीक है, अच्छा अब सुनना, इससे क्या होगा ना, इस क्वेश्चन से तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल भी थोड़ा एनालिसिस हो जाएगा. बेसिकली बाद में हम एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे आखिरी में, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी में, मतलब तुम्हारे ट्वेल्थ के एंड में, उसमें हम एक अलग से सेपरेट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस. ठीक है ना, जब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी भी तुम्हें समझ में आ जाएगा जो मैं बताऊंगा. मैंने बोला अगर मैंने बोला एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे, ये क्यूबिक फंक्शन कहां जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी पे एक्स क्यूब डोमिनेटिंग होता है, तो इसका मतलब माइनस, अगर ये मैंने बोला लेट से ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, मुझे एक्स एक्सिस बनाने की हालांकि जरूरत नहीं थी बट फिर भी बना दिया, मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी में कहां जाएगा ये, एक्स क्यूब डोमिनेटिंग होगा तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो ग्राफ विल बी माइनस इन्फिनिटी से चालू होगा. अब एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा ये, अगेन इन्फिनिटी पे दिस विल बी एक्स क्यूब इज अ डोमिनेटिंग टर्म, तो ये ओवरऑल क्या देगा, मुझे इन्फिनिटी देगा, इसका मतलब मेरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. ठीक है, ये तो हुआ मेरा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ग्राफ का नेचर, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है.
अब मैंने बोला कि अब हमने देखा डेरिवेटिव दो जगह जीरो हो रहा है, तो दो जगह जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, दो बार टर्न हो रहा होगा, लोकल दो लोकल मैक्सिमम मिनिमा आ रहे होंगे, इसका मतलब ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। मैं नहीं बोल रहा हूं एग्जैक्ट ग्राफ ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो इस टाइप का होगा, मुझे एक्स एक्सिस से अभी मतलब नहीं है, ठीक है ना, अभी ना मुझे एक्स एक्सिस से मतलब है ना वाई एक्सिस से, दो मिनट के लिए, ठीक है, ऐसा सिनेरियो है। एक बार और बना लेता हूं, चलो, मैंने बोला द ग्राफ का नेचर विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस पे जा रहा है, प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी, दो जगह डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, एक तो इस जगह और एक इस जगह, क्लियर है यहां तक। और वो वैल्यूज भी क्या है एक्स की, जिधर ये डेरिवेटिव जीरो हो रहा है वो हमने निकाल ली, माइनस वन बाय थ्री एंड वन, तो डेफिनेटली अगर मान लो मैंने बोला ये मेरा एक्स एक्सिस है, लेट्स से ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट मेरा डेफिनेटली माइनस वन बाय थ्री, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा मेरा वन, ऑफकोर्स यही दो जगह डेरिवेटिव जीरो है। अब मैंने बोला इस इंटरवेल के अंदर मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग, या तो ऐसे बोल लो या फिर एफ डैश एक्स के साइन से भी कमेंट कर सकते हो, बेसिकली वही है। इस इंटरवल में क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको देखो साइन ऑफ, जब हम वो पढ़ते बेसिक मैथमेटिक्स इनइक्वालिटीज, तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को क्या लिखता हूं, मैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन बाय थ्री इंटू थ्री, ये ऐसा लिखा है। फिर हम क्या करते हैं इसके इसका साइन चेक करते, तो इधर प्लॉट करते तो ये वन आता, ये माइनस वन बाय थ्री आता, फिर क्या करते पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब देख रहे हो वही चीज जो मैं बोल रहा हूं, एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इधर से भी वेरीफाई हो रहा है, मैंने ग्राफिकली भी बता दिया, फॉर माइनस वन टू माइनस वन बाय थ्री से वन फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, क्लियर है यहां तक। अच्छा अब हमें जो एनालिसिस करना है दैट इज जीरो टू वन, तो मतलब जीरो का यहां होगा माइनस वन बाय थ्री के बाद, मतलब यहां से यहां तक का ग्राफ से मतलब है हमें, यहां से यहां तक, ऑफकोर्स अगर माइनस वन से वन बाय वन डिक्रीज कर रहा है तो जीरो के बाद भी डिक्रीज करेगा जीरो से वन तक। अब मैंने अब तुम इसको रीड करो, अब रीड करो, अब शायद आ जाएगा तुम लोग का, शायद कि अब तो आ ही जाना चाहिए। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम पहले वीडियो पॉज करके इतना एनालिसिस कॉपी करो जो मैंने बताया। अब मैंने बोला सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से, मैंने बोला हाँ फंक्शन हमें पर पता चलेगा डिक्रीज कर रहा है, अब उसने क्या बोला मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी, अब मैंने बोला जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया तो मैक्सिमम क्या होगा एफ ऑफ टी का, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, तो जो जीरो पे वैल्यू होगी, जीरो पे जो वैल्यू होगी दिस वैल्यू दिस वाई दैट विल बी द मैक्सिमम, हम एक्स को जीरो से वन लेके जाएंगे उसमें हमारा मैक्सिमम वाई कब मिलेगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई बिकॉज इसके बाद तो डिक्रीज कर रहा है, तो बेसिकली ये इतनी बड़ी चीज लिखना इज इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ जीरो, यही तो मेन था, ये पूरा का पूरा जो इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी है ये एफ ऑफ जीरो में कन्वर्ट हो गई। अगर मान लो ये चीज अगर मिनिमम होती ना, अगर ये मिनिमम होता इधर तब क्या होता मेरा, तब मेरा इधर इस पूरे की जगह क्या आता एफ ऑफ एक्स आता, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं मेरा मिनिमम क्या आता जा रहा है, अगले वाला ही पॉइंट आता जा रहा है ना, जो एक्सट्रीम पॉइंट है, समझ में आ रहा है, मैं जीरो से वन आगे बढ़ रहा हूं तो मिनिमम क्या होगा एफ एक्स, वाई बिकॉज मैं जैसे जीरो से वन मैंने एक ये वाला एक्स लिया, लेट से ये वाला एक्स, तो मैंने बोला इतने इंटरवल के लिए इतना जीरो टू एक्स बोल रहा है ना वो, जीरो टू एक्स मिनिमम क्या होगा, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग अगर इधर मिनिमम होता तो यही वाला पॉइंट होता ना एफ एक्स, बट अगर मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम तो वो शुरू वाला पॉइंट ही होगा दैट इज एफ ऑफ जीरो। तो हमारी फाइनली जी एक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या है वन, तो वन फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज थ्री माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू टू ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं, तो अब तो खैर बहुत ही बच्चों टाइप क्वेश्चन हो गया, ग्राफ से ही कर दो इसको, तो ये तो ग्राफ से भी नहीं करोगे तो डायरेक्टली बता सकते हो डिफरेंशिएट कर दो, नहीं तो ग्राफिक ग्राफ से ही कर रहा हूं। चलो मैं वन से टू जीरो से वन के लिए फंक्शन इज कॉन्स्टेंट विच इज वन, जीरो से वन के लिए कॉन्स्टेंट इज वन है, और वन से लेके टू थ्री माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू वन पे वैल्यू कितनी है टू, तो इट इज समथिंग लाइक, और इसके बाद डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते हुए यहां तक जाएगा बस, ये दिस इज टू पे, ये हो गया मेरा ग्राफ, देखो ये वन पे इधर इक्वालिटी है इधर ओपन है, फिर मेरा ये तो क्लियरली दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू वन पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और वैसे भी बोल सकते थे तुम डिफरेंशिएट करके, देखो या तो वैसे भी मैंने बोला फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है पहली बात तो वन पे, तो डिफरेंशिएबल की तो बात ही दूर की है,
मैं डायरेक्टली ऐसे विदाउट ग्राफ भी डायरेक्टली बोल सकता था कि जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन, बिकॉज जी ऑफ वन क्या है, वन है, सॉरी जी का जो लिमिट है आर एच एल है वो इस डेफिनेशन से आएगा, विच विल बी थ्री माइनस वन टू की तरफ जाएगा, और एल एच एल क्या है, वन है, है दोनों बराबर नहीं है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन, हैज़ इट इज नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, ये कॉपी कर लो, आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर। अब रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है।